देखो अभी आपके प्रमेय नंबर 10 पॉइंट है, आपको प्रमेय समझ में आना चाहिए। ये प्रमेय समझ में आ गए तो आपके सवाल ऐसे हो जाएंगे। देखो प्रमेय 10 पॉइंट है, एग्जाम में भी आ सकती है प्रमेय। okay. दिए हुए दो बिंदुओं से समदूरस्थ किसी बिंदु का बिंदुपथ। कोई दो बिंदु दिए हुए हैं, ध्यान दो, मान लो एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, दो बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ, माना ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर, समदूरत्व मतलब समान दूरी पर, यहाँ कोई बिंदु है सी, तो मिलाओ इनको, ये वाला लाइन और ये वाली लाइन, तो ये दूरी और ये दूरी क्या है आपके बराबर। तो से समदूरत्व किसी बिंदु का बिंदुपथ, किसी बिंदु का बिंदुपथ, उन्हें मिलाने वाले रेखाखंड, किन्हें, इन दोनों बिंदुओं को एक कोई रेखाखंड मिला रहा है, मिलाने वाले रेखाखंड का लंब संधिभाजक होती है। लंब संधिभाजक मतलब लंब डलेगा यहाँ पर, यहाँ लंब डालो, ये लंब संधिभाजक होती है। लंब संधिभाजक का मतलब क्या होती है, ये वाला जो लंब, ये लाइन है, इस भुजा को दो बराबर बराबर भागों में भी बांटती है और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी बनाती है। हमें ये प्रूफ करना है, ये सिद्ध करना है, एक तो ये दोनों क्या होती है बराबर, और ये क्या, कितनी दोनों साइड में कितने डिग्री कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। दो चीजें सिद्ध करनी है। देखो मेन चीज आपको चित्र बनाना आना चाहिए, बताओ क्या है सवाल। दो बिंदु है, एक बिंदु है, एक बिंदु, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर, यहाँ पर कोई बिंदु क्या है सी, इधर भी ले सकते हो आप बिंदु चाहो तो, यहाँ है, मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या है बराबर, इन दोनों बिंदुओं को कोई रेखाखंड मिला रहा है ये वाला। इस रेखाखंड को, इस बिंदु का जो बिंदु पथ है वो क्या करता है, दो बराबर भागों में भी बांटता है और यहाँ कितने डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण भी बनाता है, मतलब लंब संधिभाजक। ये जो लाइन है बोलते हैं लंब संधिभाजक। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, माना कि यहाँ क्या है, मैंने आपको क्वेश्चन करने का तरीका फिक्स बताया था, पहले पहले क्या लिखना होता है, पहले लिखेंगे हम दिया हुआ, बताओ क्या दिया हुआ है, बस ये और ये क्या है आपके बराबर, समदूरस्थ है ना, लिख सकते हो हिंदी में भी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या लिखो बताओ, एसी बराबर बीसी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है आपके क्यों बराबर है बताओ, ये भी लिख दो, क्यों बराबर है, सी सी ए और बी से क्या है बताओ, से क्या है, से समदूरस्थ है, क्या है समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। सी वाला जो बिंदु है ए से और बी से क्या है, समान दूरी पर स्थित है, इसलिए दोनों क्या है आपके बराबर, बस ये दिया हुआ। दूसरा पॉइंट क्या लिखे बताओ, दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम सिद्ध करना है, मतलब क्या सिद्ध करना है, एक तो ये दोनों अंक क्या आनी चाहिए बराबर, मतलब क्या है AD बराबर BD, ये और ये क्या लानी है बराबर। दूसरी यहाँ कितने डिग्री कोण, मतलब जो ये वाली लाइन है बताओ क्या नाम है, CD लंब है किस पर, AB पर, CD लंब किस पर है, पर। ये वाला चिन्ह किसका है, इसका मतलब होता है यहाँ 90 डिग्री का कोण और ये वो हिस्सा और ये हिस्सा क्या है बराबर बराबर। देखो अब हम देखो रचना करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें रचना वाला पॉइंट नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे उपपत्ति, क्या लिखेंगे उपपत्ति लिखेंगे, मतलब अब देखो इसी में करना है आपको। अब ये और ये देखो, बताया था अभी मैंने बेसिक में, यहाँ कितने त्रिभुज बन रहे हैं, दो, दोनों को क्या कर दो सर्वांग सम, अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, ये वाला तो इसके सभी भाग क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ये और ये भी बराबर हो जाएगा और ये भी बराबर हो जाएगा, तो दोनों को क्या करना है मैं सर्वांगसम, सीख लो सर्वांगसम कैसे करते हैं। देखो पहले त्रिभुज का नाम ए सी डी और एक कौन सा लेंगे बी सी डी, ये एक तो ये वाला लेना है एक वाला लेना है, बताओ लो मतलब क्या लेंगे, त्रिभुज ए सी डी व त्रिभुज बी सी डी, बी सी डी से अब दोनों त्रिभुज लेंगे, बताओ दोनों में कितनी चीजें बराबर करनी है, तीन, तीन चीजें बराबर कर दो बाकी तीन ऑटोमेटिक बराबर हो जाती है। बताओ पहली सी है बराबर, देखो ये और ये क्या है आपके सवाल में दिया हुआ है, देखो अगर आपने नाम से लिखे तो आप यहाँ से भी मैच कर सकते, देखो
आगे क्या है एसी, आगे क्या है बीसी, मतलब एसी बराबर क्या है बीसी, क्या है दिया हुआ है आपके, मतलब क्या लिखोगे एसी बराबर है बीसी, बताओ क्यों बराबर, ये कारण भी लिखना है आपको पीछे, क्यों बराबर है सवाल में दिया हुआ है, दिया हुआ है सवाल में दिया हुआ है, इसलिए दोनों क्या है आपके बराबर। दूसरी सी डी वाली ये भुजा देखो, ये भुजा क्या है इस त्रिभुज में भी काम आ रही है और इस त्रिभुज में भी है। दोनों में क्या है ये कॉमन, क्या है कॉमन, हम हिंदी में क्या लिखेंगे ये वाली जो भुजा है इस त्रिभुज के भी काम आ रही है और इस त्रिभुज के भी काम आ रही है, दोनों में है, मतलब क्या लिखे बताओ सी डी बराबर है सी डी, चाहो तो आप देखो नाम से लिखे सी डी बराबर क्या है सी डी, दोनों पीछे के इसके दोनों पीछे किसके दोनों पहले इसके दोनों आगे किसके भी दोनों आगे, यहाँ से भी आपको डायग्राम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने अगर नाइन्थ में अच्छे से नाइन्थ का पार्ट है, बताओ ये दोनों क्यों बराबर है, कारण क्या लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ कॉमन है, आ गया, मतलब दो में एक चीज और बराबर करनी है, ये पूरा त्रिभुज देखो इसमें ये भुजा और ये भुजा क्या है बराबर, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी क्या होते हैं बराबर, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा बराबर, नाम दे दो कोण नंबर एक और कोण नंबर दो, पहले बताओ कोण एक बराबर कोण दो, बताओ क्यों बराबर है, क्योंकि ये पूरा त्रिभुज कैसा है समद्विबाहु त्रिभुज, क्या लिखोगे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, आप देखो तीन चीजें बराबर हो गई, तीन चीजें बराबर हो गई तो दम नियम कौन सा लग गया, देखो नियम दो तो क्या दे रखी है और ये क्या दे रखा है कोण, बताओ क्या लिखे बताओ क्या लिखे बताओ, दो तो भुजा मतलब भुजा कोण भुजा, क्या लिखो एस ए एस साइड एंगल एस एस ए भी लिख सकते हो, एस एस ए भी लिख सकते हो या ए एस एस भी लिख सकते हो, एस ए साइड एंगल साइड, नियम द्वारा नियम से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है सर्वांग सम, बताओ क्या है त्रिभुज, क्या नाम लिखा बताओ ए सी डी सर्वांग सम है, ए सी डी सर्वांग सम है त्रिभुज, क्या नाम है बी सी, दोनों त्रिभुज क्या है आपके बता बेटा, अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उसकी सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होते हैं, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या हो गए, तो क्या लिखेंगे ए डी बराबर बी डी, चाहो तो यहाँ से देखो ये ए लास्ट फर्स्ट लास्ट, इधर भी फर्स्ट और ए डी बराबर क्या हो गए कारण क्यों बराबर बताओ बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्राइंगल, सर्वांग सम त्रिभुजों के की सभी संगत भुजाएं और सभी संगत कोण क्या होते हैं, तो इतना बड़ा लिखने के बजाय डायरेक्ट शॉर्ट में लिखेंगे सीपी सीटी, एक चीज हो गई सिद्ध, ये तो हो गई सिद्ध, हो गए ना सिद्ध, आप बताओ ये कोण कितने, ये दोनों कोण कितने लाने नब्बे नब्बे लाने, बताओ आज बताओ क्या बताया नियम बाय सीपी सीटी, सभी कोण और सभी भुजाएं क्या होगी बराबर, ये वाला कोण भी क्या होगा, नाम दे दो कोण नंबर तीन और कोण नंबर चार, तो क्या लिखेंगे कोण नंबर तीन बराबर है कोण नंबर चार, मतलब क्यों बराबर है बाय सीपी सीटी, बाय सीपी सीटी, अब दोनों लेकिन हमें तो बराबर थोड़ी करने, हमें तो कहते ये कितना लाना है नब्बे नब्बे लाना है, दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है, कितना होता है क्यों रेखिक कोण युग्म, ये कोई लाइन है और इस लाइन से ऐसे कोई लाइन गुजर रही है तो इन दोनों साइड जो कोण बनते हैं उनका जोड़ होता है 180 और उन्हें बोलते हैं रेखिक कोण युग्म, क्या बोलेंगे बता कहेंगे कोण तीन प्लस कोण चार बराबर कितना 180 डिग्री, कारण क्या लिखो बताओ रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म इसलिए बराबर है, बताओ दोनों बराबर है और दोनों का जोड़ कितना है मतलब दोनों बराबर है दोनों का जोड़ 180 बताओ दोनों कितने कितने हो गए नब्बे नब्बे हो गए ना, देखो तीन के बराबर कितना है चार, तो यहाँ देखो तीन को हटाओ इसकी जगह कितना लिख दो क्या लिखोगे कोण चार प्लस कोण चार बराबर मतलब कितने चार दो चार दो कोण
चार बराबर कितना गुणा है तो कौन चार बराबर 180 बटा कितना आया 90 डिग्री। ये कौन कितना है, ये भी कितना होगा, हो गया सिद्ध। बताओ क्या लगेंगे इतनी, बताओ। देखो अभी आपके परमे नंबर 10.1 का विलोम, विलोम का मतलब उल्टा है, सेम वही चित्र बनाना है जो पिछले वाले में बना था 10.1 में। दो दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मान लो ये दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, ये दो बिंदु है, इनको मिलाने वाली कोई रेखा है ये वाली रेखा, इनको मिलाने वाली रेखा के संधिभाजक पर स्थित बिंदु, इसका संधिभाजक करना है। संधिभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांटना है, ये दो बराबर भागों में बांट दो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है यहाँ पर बराबर, और संधिभाजक है तो यहाँ पर कितने डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु होते हैं, ये जो बिंदु दिए हुए है यहाँ पर इस लाइन पर कोई बिंदु है, यहाँ पर ले लो यहाँ यहाँ कोई जगह, इस बिंदु से ये बिंदु क्या होते हैं, समदूरस्थ होते हैं, मतलब पहले वाले का उल्टा है। पहले वाले में दोनों लाइनें बराबर दे रखी थी और ये दोनों सिद्ध कर रहे थे, अब इसमें क्या है, ये दोनों दे रखी है, ये कोण दे रखा है और ये लाइनें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। मानो ये ए है, ये बी है, ये सी है और यहाँ क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो सवाल करने का जो तरीका अपना फिक्स है, सबसे पहले क्या लिखो बताओ, सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ है, उसका जस्ट उल्टा करना है, उसमें जो दिया हुआ था उसको लिखेंगे सिद्ध करना है, और जो उसमें सिद्ध करना दिया हुआ था उसको लिखेंगे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये और ये क्या है आपके बराबर, दिया हुआ है सवाल में, मतलब क्या है AD बराबर है BD। दूसरा ये वाली लाइन, इस लाइन पर क्या है, लंब संधिभाजक, मतलब कौन सी लाइन है, CD लंब संधिभाजक की किस पर, कौन सी लाइन पर, AB पर दिया हुआ है। दूसरा अब बताओ सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है मतलब जो कोई भी बिंदु है इन दोनों बिंदुओं से क्या होगा, समदूरस्थ, क्या होगा समदूरस्थ, मतलब AC बराबर क्या लाना है, AC बराबर लाना है, क्या अगर लिख सकते हो C बिंदु A बिंदु और B बिंदु से क्या है समदूरस्थ है, क्या है समदूरस्थ, ये दोनों बराबर लाना है। अब रचना करने की आवश्यकता है, बताओ क्या लिखेंगे, उपपत्ति करेंगे, उपपत्ति लिखेंगे और मास को उपपत्ति में हल करना है। बताओ हमें ये लाइन और ये लाइन क्या करनी है, कितने त्रिभुज है, दोनों को क्या कर दो सर्वांगसम, दोनों सर्वांगसम हो गए, सभी भुजाएं सभी कोण क्या हो जाएंगे बराबर, बताओ एक तो ये वाला और एक ये वाला, नाम सही लिखना है, नाम सही लिखोगे तो इधर भी आपको समस्या नहीं आएगी, बताओ ए डी सी, यहाँ से लेंगे बी डी सी, लेंगे त्रिभुज ए डी सी व त्रिभुज बी डी सी से, आप बताओ कितनी चीजें बराबर करनी है, तीन बराबर करनी, ये वाली और ये वाली क्या है बराबर, सवाल में मतलब क्या है ए डी बराबर है बी डी, बताओ क्यों बराबर है, है। सवाल में दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है, देखो यहाँ से देखो दोनों आगे एडी और दोनों आगे क्या है, अगर ये नाम सही लिखोगे तो आपको चित्र में देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहाँ से बराबर कर सकते हो आप बराबर है। अब बताओ दूसरा ये वाली लाइन दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ कॉमन है, ये इस त्रिभुज में भी काम आ रही है और इस त्रिभुज में भी काम आ रही है, बताओ लाइन का नाम क्या है, डी सी लिखो सी डी लिखो बात देखी है, सी डी बराबर सी डी, बताओ क्यों बराबर है, उभयनिष्ठ है, क्यों बराबर है उभयनिष्ठ भुजा, मतलब कॉमन उभयनिष्ठ कॉमन लिखो सी ओ डबल एम और कॉमन, दोनों में क्या है कॉमन है उभयनिष्ठ, ठीक है ना। अब देखो तीसरा बताओ ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या है, लंब संधिभाजक है, 90 डिग्री का कोण है, तो ये कोण नंबर एक दे दो और कोण नंबर दो, बताओ क्या लिखेंगे, कोण नंबर एक बराबर है कोण नंबर दो, बताओ क्यों बराबर है 90 डिग्री,
ये चीज लिख सकते हो यहाँ पर सी डी लंब किस पर है ए बी पर। या नंबर डी लिखो। तीन चीजें बराबर हो गई, तीन चीजें बराबर होते हैं, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए सर्वांग समांग। बताओ नियम कौन सा लग गया, दो तो भुज है और एक क्या है कौन एस ए एस, तो क्या लिखेंगे अतः एस ए एस नियम से एस ए एस नियम लग गया। एस ए एस नियम से हम कह सकते हैं, एस एस ए भी कह सकते हो आप, जैसे आपकी इच्छा पड़े वैसे। बताओ क्या लिखेंगे, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या है समांग। बताओ क्या है त्रिभुज ए ए डी सी सर्वांग सम है, त्रिभुज बी डी ये वाला सिंबल जानते हो नहीं किसका है, अगर मैं नीचे से बराबर हटा दूं तो किसका रह जाएगा समरूप का, किसका रह जाएगा समरूप का, बराबर लगते हैं किसका हो जाएगा सर्वांग सम का। आपकी आएगी 11 प्रश्नावली समरूप वाली, उसमें पढ़ेंगे तो दोनों क्या है आपके सर्वांग सम। एस एस नियम से सर्वांग समय, अगर बेटा सर्वांग समय तो इसके सभी संगत भाग और सभी भुजाएं सभी कोण क्या होंगे बराबर, इसलिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी क्या हो जाएगी बराबर। क्या है कौन सी भुजा ए सी बराबर क्या है बी सी, बताओ क्यों बराबर है बाय सी पी, इतनी सिद्धम।